नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग दिन भर अपने मोबाइल पे लगे हुए होते हैं और इस तरीके से हम लोग अपना स्टडी नहीं कर पाते हैं, या फिर जब भी हम स्टडी करने भी बैठते हैं तो हम तुरंत अपना मोबाइल खोल लेते हैं और फेसबुक या फिर व्हाट्सएप हम लोग चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कोई काम याद रहे या फिर उस काम को कब करना है, या फिर आपको ये पता चले कि जैसे ही आप फेसबुक टाइप करें आपको पता चले कि आपका एग्ज़ाम है और आपको पढ़ना चाहिए, तो इस तरीके की आप मैनेज किस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में जो एक टूल है दैट इज़ मोबाइल, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन हैं जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज़ कर सकते हैं और आपका जितना भी ज़्यादा टाइम है उसे अपने स्टडी में दे सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, एक है आपका किप्स और एक है आपका कैलेंडर। दो एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि किप्स हो सकता है कि आप चलाना जानते हो, लेकिन जो कैलेंडर वाला ऐप है उसे मैं आपको यहाँ पे बता देने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वन बाय वन करके इसके बारे में सीखते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे ये मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो चलते हैं हम लोग आगे और अपने मोबाइल पर देखते हैं कि किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब आपको प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोल लेने के बाद में यहाँ पे लिखना है आप लोग को कीप, और कीप यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है इस पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद में आपको इंस्टॉल करना है। अब ये इंस्टॉल डाउनलोड हो रहा है, और इस गूगल कीप का सबसे अच्छी खासियत ये है कि आपका कोई भी काम इससे मिस नहीं होने वाला है होगा, ठीक है। ये आप लोग को टाइम टू टाइम नोटिफाई भी कर देगा, और जितना आपने काम किया उसकी आप परसेंटेज भी देख सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। तो गूगल कीप फॉर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिद्ध हो रहा है इस क्षेत्र में। तो अभी इंस्टॉल हो जा रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें हम लोग नोट्स लेते हैं। तो सिंपल आप लोग को ओपन करना है, ओपन कर लीजिएगा तो ये आपके गूगल अकाउंट से, और मेरे दूसरे फ़ोन में भी ये ऑलरेडी मौजूद था, इसलिए ये इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है। आप लोग का पहले उसमें गेट स्टार्टेड करके आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो इसमें अब आप लोग को जैसे कि कोई टास्क पढ़ना है तो उसको किस तरीके से नोट करना है, तो यहाँ पे जो आप लोग को देख रहे हैं टेक नोट्स, सिंपल यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद में टाइटल पर अगर आप लोग लिखना है कि अलजेब्रा अगर आप लोग को पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। देन इसके बाद में आपको कौन से उसमें चैप्टर पढ़ने हैं, तो चैप्टर आप लिख दीजिए, वन मुझे पढ़ना है, फिर उसके बाद में फोर पढ़ना है, फिर उसके बाद में मुझे एट पढ़ना है फॉर एग्ज़ाम्पल। देन उसके बाद में यहाँ पे जो आपको तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों ऑप्शन में से जो ये बीच वाला ऑप्शन है, इस बीच ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। और अगर आप ऐसा अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं भूल जाऊंगा, तो इसके लिए सिंपल आप लोग को यहाँ पे जाना है और सिलेक्ट टाइम करना है, और जिस समय भी आप नोटिफाई अपने आप को करना चाहते हैं उस तरीके का आप नोटिफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 9 AM, और यहाँ पर मैं 16 का सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये 16 मिनट पे मुझे किस तरीके से नोटिफाई करेगा मैं आपको इसमें दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद में फॉर इस तरीके से आप नोटिफाई कर सकते हैं, और ये आपको नोटिफाई कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा। इसके बाद में आपको सेव करना है, उसके बाद में बैक चले जाना है। तब तक ये नोटिफिकेशन आए तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये वाला जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर जो गैलरी कलर का आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन के तहत आप कोई फ़ोटो खींच करके भी आप अपनी रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टेक फ़ोटो अगर करूं तो जस्ट वन पे मुझे क्लिक करना है, और इसके साथ साथ मुझे ये फ़ोटो क्लिक कर लेने के बाद में इसको मुझे यहाँ से क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ। ओके कर लेने के बाद में अब आप यहाँ पे अब देखिए जो मैंने 9:16 में किया था अब यहाँ पे आ गया। अब मैं ये काम मेरा हो चुका है, तो इस पर मैं लिखूँगा डन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा डन, तो वो मेरा काम हो चुका है, इस तरीके से ये नोटिफाई कर देता है। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर
आप कोई इमेज फ़ोटो खींच करके भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उसमें टाइटल लिख सकते हैं कि अगर इसको आप ये जो कॉपी है किसी को अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये राकेश का कॉपी है, यहाँ पे मैं लिख दिया। उसके बाद में उससे मुझे क्या लेना है तो मुझे आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बॉटल लिख देता हूँ, ठीक है, बॉटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देन उसके बाद में इसमें भी आप नोटिफिकेशन इस पॉइंट से आप सेट कर सकते हैं, जिस डेट को भी आपको चाहिए वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसमें आप लोग ज़्यादा मास्टर हैं और आप लोग आराम से कर लेंगे। इसको आप लोग को सेव कर देना है, फिर इस यहाँ से आप बैक जा सकते हैं। तो इस तरीके से जितना भी आपके अंदर आपको दिन भर में काम मिलता है इस तरीके से आप लोग उसको सेव कर सकते हैं और वन बाई वन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ में ये जो वॉइस कलर का ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसे भी आप लोग रिकॉर्ड करके टाइम सेट कर सकते हैं। ये उसी टाइम पर ऑटोमेटिक आपके मोबाइल से आवाज़ आने लगेगी और आपको ये याद आ जाएगा कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है या फिर ये काम करना है। तो अगर इस गूगल कीप का अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टडी में वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी और जो भी चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि छूट जाएगा वो आपको याद रहेगा। तो गूगल कीप काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, हर स्टूडेंट को ये यूज करना चाहिए। उसके बाद में अगर मैं दूसरी एप्लीकेशन की बात करूं तो दूसरी एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग फेसबुक विदाउट नोइंग कि आपका एग्ज़ाम कितने दिन बाद है, आप लोग फेसबुक या फिर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब का अगर आप लोग को लत लग चुका है तो इससे सबसे अच्छा एप्लीकेशन ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप लोग का एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है विजिट्स, मैंने यहाँ पे विजिट्स लिखा हुआ है। देन उसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है ये एप्लीकेशन गीरा मोबाइल का, इस पर आप लोग को क्लिक करना है और इसको आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रहा है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए ये हम लोग का एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग को जाना है बैक और बैक जा कर के अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो काउंटडाउन है वो यहाँ पे एप्लीकेशन आ चुका है, कि भी एप्लीकेशन आ चुका है। तो इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको अपने होम स्क्रीन पर 5 सेकंड तक दबाए रखना है। इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो नीचे है यहाँ पर लिखा हुआ है WIDGET यानी कि विजिट्स में आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे देखिए काउंटडाउन जो विजिट है इसमें आप लोग को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से इसका जो साइज है 3x3 4x4 और 2x2, तो यहाँ मैं 2x2 इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको आप लोग को टच करना है और इसको सिंपल अपने होम स्क्रीन पर लगा देना है। होम स्क्रीन पे जैसे ही आप लोग लगाएंगे इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा। फिर आपका अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम जो है वो अगर 26 मई को है तो 26 मई को आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम का फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में आपका इतना टाइम लेफ्ट है और उसके बाद में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो जब कभी भी अब आप अपने मोबाइल को खोलिएगा तो आपको ये आपको नज़र आएगा कि मैं जो आपका एग्ज़ाम है वो 39 डेज लेफ्ट है और इससे आप फेसबुक और यूट्यूब नहीं चला पाएंगे क्योंकि आपको एक जिम्मेदारी का अनुभव होगा। तो ये दोनों एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके से दिन आपका घटते जाएगा ये धीरे धीरे आपका क्लोज होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे जो ये वाला आपको जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। एडिट कर लेने के बाद में आप यहां से इसके टाइम को बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो ये कुछ दो एप्लीकेशन ऐसे हैं जो IIT और NIT के स्टूडेंट मोस्ट ऑफ़ द केस में यूज करते हैं। तो अगर आप लोग को भी यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाइए और इसको यूज कर लीजिए। और अगर कोई इसमें डिटेल मिस हो गई है तो अगर आप लोग इंस्टॉल करेंगे और इसके बारे में ऑपरेट करेंगे तो आप इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।